हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग टू डेज व्लॉग इज ऑल अबाउट द री वैम्पिंग ऑफ दिस डाइनिंग टेबल सो गाइज आइए मैं आपको दिखाती हूँ पहले डाइनिंग टेबल के हाउ इट इज़ लुकिंग पहले जो मेरा डाइनिंग टेबल था पूरा ब्राउन कलर का था वुड कलर का था एंड देन बेसिकली ये वाला भी नहीं सैंड हुआ हुआ है दिस इज हाउ इट यूज टू लुक दैन हमने सैंड करके इसको एक इट जस्ट टू गिव इट अ मैट लुक और चेयर्स जो थी इसकी मैंने वो वाला पार्ट जो सीट है वो ब्राउन छोड़ दी थी और बाकी पे ब्लैक कलर किया था वह के विद द टाइम बिकॉज ये चॉक पिंट था तो ये उतरना शुरू हो गया वाटर बेस्ड होता है ये ऑयल बेस्ड नहीं होता ऑयल बेस्ड जो होता है वो नहीं उतरता अच्छा खैर जो मोस्ट अनोइंग चीज़ थी इस डाइनिंग टेबल के लिए मैं इसके काफ़ी सारे जो इस तरह की सीट्स कुशन सीट्स होती हैं वो चेंज कर चुकी हूँ बट क्या होता था कि जस्ट बिकॉज़ ये यहाँ से बंदी भी होती है सो दिस इज़ वॉट हैपन्स बाय द टाइम ये जो है ना फट जाती हैं और अगर इसके बग़ैर हो ये तो काफ़ी ये हार्ड सरफेस है और लोग थक जाते हैं लाइक हम भी थक जाते हैं डाइनिंग टेबल पे इस पर बैठ के ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते ठीक है तो खाना खाने के लिए क्विकली बैठ सकते हैं लेकिन हम इन चेयर्स को सिर्फ खाने के लिए यूज़ नहीं करते हम पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो चेयर्स सोफ़ाज़ के साथ साथ ये भी यूज़ होते हैं होती हैं चेयर्स बैठने के लिए यूज़ होती हैं सो so, मैंने ये डिसाइड किया है कि फ़ाइनली आई एम गेटिंग रिड ऑफ दीज क्योंकि ये कोई तीसरा या चौथा पेयर है इनका और फिर भी उसके बावजूद ये आ, हमेशा फट जाता है सो इसलिए आई एम जस्ट गेटिंग रिड ऑफ देम परमानेंटली एंड आई एम गोइंग टू अपहोल्स्टर माई सीट सो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया सबसे पहले तो मैं इसकी ये जो सीट है इसको खोलूँगी इससे अलग करूँगी आई विल रीपेंट दिस वन इसका मैं आपको इतना दिखाऊँगी नहीं बिकॉज ऑलरेडी पेंट हुआ हुआ है ये बस मैंने चॉक पेंट है और इसके ऊपर मैं वार्निश जो है वो लगा दूंगी। सो so, मैं इनको रीपेंट करूंगी, वार्निश करूंगी, इसको अपहोलस्टर करूंगी। अच्छा जी जो चीज़ें हमने बाय की हैं उसमें सबसे पहले ये अपहोलस्ट्री के लिए स्पेशल क्लॉथ आता है पाकिस्तान में इजीली आई थिंक जो शॉप्स होती हैं जो कि रिफर्निश करते हैं वहाँ पे मिल सकता है किसी मार्केट बड़ी में भी मिल जाएगा मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से मिलेगा क्योंकि मैंने वहाँ कभी खरीदा नहीं और इस तरह के काम कभी मैंने किए भी नहीं इस तरह के पंगे मैंने कभी नहीं लिए सो so, ये मैंने ख़रीदा है स्पॉटलाइट से आ, ये पंद्रह डॉलर का पर मीटर आया है मैंने थ्री मीटर्स लिए सिक्स चेयर्स के लिए लेकिन यह थ्री मीटर ज़्यादा मेरा ख़्याल है दो सवा दो मीटर शुड हैव हाँ बीन इनफ़ लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपने ये वाले जो स्टूल्स हैं इनको कवर कर लूँगी अगर मेरे पास बच गया क्योंकि वो भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होगी आपको ये स्टेपल गन चाहिए होगी ये वुड स्टेपल गन है बेसिकली वुड के लिए यूज़ होती है इट्स जस्ट लाइक अ स्टेपलर इट्स रियली सिंपल टू यूज़ इट बस इसको हम पुश करते हैं अंदर स्टेपल पिन लगाएंगे एंड देन हम जब ऊपर कपड़ा चढ़ा देंगे तो नीचे से हम स्टेपल uh, कर देंगे अच्छा इसके साथ ये पेंस ली हैं मैंने ये वाली फोर्टीन एम एम की हैवी ड्यूटी वाली लेनी आपने, है आपने ठीक है यू गैस कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इफ़ यू वॉन्ट Uh, ये लेनी है पाकिस्तान में ये कहाँ से मिलेगा आई एम नॉट श्योर यू गैस विल हैव टू फाइंड इट आउट इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट या कोई और यहाँ पे करता हो आपके वहाँ पे डी आई वाइज तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं इसके अलावा मैंने ये ग्लू ली है मैंने वुड ग्लू ली है क्योंकि मुझे एक और डी आई वा प्रोजेक्ट करना है तो मैंने वुड वाली ली है वरना आप नॉर्मल ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा फोम होना चाहिए मुझे फ़ोम ख़रीदना नहीं पड़ा बिकॉज मेरे पास Uh, मेरा सोफ़ा सेट uh, था uh, जो कि गैराज में पड़ा हुआ था विच वॉज़ अ कम्प्लीट वेस्ट तो मैंने उसको काट के उसके अंदर से उसकी जो कुशनिंग है वो निकाली है और मैं वो कुशनिंग यूज़ करूँगी मैं अभी आपको दिखाऊँगी जब इसको करूँगी तो सबसे पहले मैं ये उतारूँगी सीट इसके ये देखिए ये मैंने एक खोल के रखी हुई है दिस इज़ हाउ इट लुक्स ठीक है इसको uh, इसके ऊपर मैं हल्की हल्की सी ग्लू लगाऊंगी एंड देन आई एल एड द कुछ निंग और फिर मैं इसके ऊपर कवर चढ़ाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ ठीक है पेंट आई एम यूजिंग इट्स चौक बोर्ड पेंट ड्यूलक्स का है ये यू गाइज कैन टेक स्क्रीन शॉट इफ यूट जी जेनाब सो मा पेंट इज डन

so i will just अच्छा जी तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी द कटिंग ऑफ द क्लॉथ इसको मैंने मेजर कर लिया है और इसको मैंने काट लिया है उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि जो पैटर्न वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखनी है और जो सॉफ्ट uh, um, वाली साइड है वो मैंने नीचे रखनी है uh, अब ये मैंने सीट ली है और मैंने ये जो पुराने uh, cushions थे इनको भी यूज़ कर लिया इसके अंदर ही बिकॉज़ uh, ये काफ़ी ईजी रहा uh, मेरे लिए इसको यूज़ करना uh, क्योंकि ये ईजीली स्टिक हो गए थे ग्लू के साथ मैंने इनको स्टिक करूँगी ये देखिए और फिर मुझे एक्स्ट्रा जो दूसरी कुशनिंग थी वो उतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी पड़ी दिस इज़ द कुशनिंग विच आई गॉट आउट ऑफ माय सोफ़ास आई एम नॉट श्योर फ्रॉम वेयर यू कैन बाय आई थिंक इफ़ यू गाइस हैव ओल्ड पिलोस एट योर होम तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या कोई पुरानी रज़ाई है उसकी कोई uh, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो यूज़ कर सकते हैं मैंने सबसे पहले ग्लू लगाई थी इसके ऊपर एंड देन इसको मैं कुशन को ऊपर रख दिया है ये टू थ्री आवर्स में ड्राई हो गई थी मैंने सब पे पहले जो है वो इस तरीके से लगा के छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए एंड देन मैंने इसको जो है इसके ऊपर कवर चढ़ाया था मैंने साइड्स पर लगाई है एंड देन मैंने बीच में भी लगाई थी मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को बिकॉज इट वॉज़ वेरी लॉन्ग वीडियो आई होप सो कि आपको प्रोसीजर समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ आई एम नॉट गोना कट इट मैंने इसीलिए काट ही नहीं है वीडियो थोड़ी सी बस स्पीड ही तेज की है ताकि आपको पूरा प्रोसीजर डिटेल में समझ आए कि किस तरीके से करना है यू इस कैन स्टॉप इट एंड वॉच इट तसली से एंड देन आगे आप वीडियो कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू Uh, इस तरीके से मैंने अब ये इसको उल्टा करके रख दिया है उस क्लॉथ के ऊपर जो कि मैंने इसके साइज़ का काटा था देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं अब एक्स्ट्रा कुशनिंग जो है वो साइड से मैं ऐड कर रही हूँ अच्छा इसका तरीका ये है कि मैंने ये जो फर्स्ट वाला किया था इसमें तो मैंने आ, तीनों साइड से स्टेपल करके फिर ऊपर से डाला था आई थिंक बेटर रहता जो मैंने आ, लास्ट के तीन कुशन आ, तीन सीट्स की उनमें आई थिंक ओबियसली दिस वॉज़ माई फर्स्ट टाइम एज़ वेल तो मुझे इतना तजर्बा नहीं था और वही है कि इंसान कर कर के बार बार सीखता है चीज़ें तो फिर मैंने दोनों आगे और पीछे वाली साइड की थी और साइड से मैंने छोड़ दिया था एंड देन साइड से मैंने एक्स्ट्रा uh, जो है कुछनिंग uh, जो मैंने ऐड करनी थी वो मैंने कर ली थी ये इस तरीके से पहले रफ़ली मैंने इसको थोड़ा सा स्टेपल कर लिया है uh, ये स्टेपलर की पिन्स अगर पूरी आपकी कंप्लीटली अंदर नहीं जाएं तो नॉट एन इशू क्योंकि फोर्टीन एम एम है और काफ़ी ज़्यादा वो डैप्ट होती है उसकी Uh, उसको आप हैमर से या किसी भी चीज़ से ऊपर से वो कर सकते हैं uh, दूसरा मैंने ये रिकॉर्डिंग के लिए डाइनिंग uh, टेबल के ऊपर रख के किया था तो इसलिए uh, ये मुझे uh, इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था लेकिन इसको हार्ड सरफेस पे यानी कि फ्लोर के ऊपर या कारपेट पे ऊपर रख के आप जब स्टेपल करेंगे तो ये बड़ी आसानी से स्टेपल हो जाएगा बट येस इट डू नीड अ लॉट ऑफ फोर्स और बाय द एंड ऑफ द डे मेरा बाजू काफ़ी थक गया था जिस दिन मैंने फ़ोर uh, सीट्स की थी मैंने एक दिन में दो की थी एंड um, देन फिर मैंने उसके बाद uh, चार की थी एक ही दिन में और जिस दिन चार की थी उस दिन माय आर्म वाज एक्चुअली हर्टिंग अ लिटिल बाय द एंड ऑफ द डे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोर्स uh, के साथ इसको जो है वो दबाना पड़ता है बट इट्स नॉट दैट हार्ड ये देखिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आई मेड दिस मिस्टेक कि मैंने तीनों साइड से सी लिया एंड सिर्फ एक साइड से खुला रखा तो मैं इतनी एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग ऐड नहीं कर सकी बट जो बाद वाले थे उसमें मैंने आगे से और पीछे से सिया एंड साइड से मैंने इसको ओपन रखा Uh, आप जितनी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं मोटी सीट बनाना चाहे मोटी बना सकते हैं पतली बनाना चाहे पतली बना सकते हैं इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस आप जितना ज़्यादा कुशनिंग ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये ऐड मतलब लाइक मोटी हो जाएगी और जितनी कम कुशनिंग ऐड करेंगे पैडिंग ऐड करेंगे उतना ही uh, कम पैडेड हो जाएगा ये अच्छा अब परेशान हो ना आपने ये आपको अन इवन लग रहे हैं लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत हैवी तो यू कैन लीव इट इसके ऊपर आप कोई भी पतली सी स्टिक लेके आ, जिस तरीके से मारते हैं रज़ाइयाँ अम्मी करती थी मैंने बचपन में करते हुए देखा है सो आई हैड एन आइडिया कि उस तरीके से इसका जो ये ब्रेक हो जाता है अंदर से और ये फैल जाती है इसकी कुछ नहीं आ, तो आप वो तरीका भी कर सकते हैं इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं अदरवाइज़ यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़ बिकॉज़ बाय द टाइम लोग इसके ऊपर बैठेंगे आप लोग बार बार एंड ये यूज़ होंगी तो ये इवन आउट हो जाएगा पूरा इवनली स्प्रेड हो जाएगा ये देखिए मैंने आ, तीनों साइड से किया हुआ है एंड अब ये मैं एक्स्ट्रा कुशनिंग इस साइड से मैंने ओपन रखा था और इस साइड से मैं ऐड कर रही हूँ अच्छा जहाँ पे ये आ, थोड़ा सा अन ईवन था वहाँ से मैंने आ, इस तरीके से देखिए फोल्ड करके पहले उस कॉर्नर को स्टेपल किया जस्ट लाइक दैट ताकि ये वहाँ पर फिक्स हो जाए एंड देन मैंने उसको दोनों साइड से स्टेपल करके आ, उसका बड़ा अच्छे तरीके से कॉर्नर फोल्ड हो गया काफ़ी अलहमदिल्ला नो बडी कैन टेल के मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया है आफ्टर लुकिंग एट माई चेयर्स बिल्कुल वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल तरीके से हुआ है आ, सिर्फ जो कुश्निंग है वो थोड़ी सी आगे पीछे है एक दो चेयर्स की एक दो सीट्स की बट वो भी आई एम श्योर कि वो टाइम के साथ साथ हो जाएगा

आई एक्चुअली इन्जॉयड डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर ये देखें ये वाली मेरी अच्छी हुई है एंड साइड वाली जो चेयर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी जो लास्ट फोर मैंने की ये लुक एट दैट वन दिस वन इज़ एक्चुअली वेरी नाइसली डन ये भी काफ़ी अच्छी हुई थी uh, लेकिन नो बडी कैन टेल इन एक्चुअल मतलब कोई भी नहीं बता सकता कि ये डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं ये पहले इनकी ये पैडिंग नहीं थी और ये मैंने ऐड की है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से ये डाइनिंग टेबल आया था एंड ट्रस्ट मी इट्स लुकिंग ब्रांड न्यू मतलब अगर रियल में आप लोग देखें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगेगा uh, मुझे तो खैर वीडियो में भी लग रहा है आई एम नॉट श्योर कि आपको कैसा लगा है uh, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस uh, uh, डीआईवाई को अपने घर में करें तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और आपको इजी लगा या नहीं मैंने सारी चीज़ों की डिटेल इसीलिए बताई हुई है ताकि आप लोग इजीली इसको अपने घर पे कर सकें और अपना डाइनिंग टेबल अपनी सोफ़ा चेयर्स किसी भी चीज़ की आप पैडिंग ऐड करना चाहते हैं या री करना चाहते हैं तो आप ईजीली कर सकते हैं आई होप सो कि यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो डो नॉट फोरगेट टू गिव अ थम्स अप डो नाट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू सपोर्ट मी थैंक यू गाइज एंड में मैंने ऐड कर दिया है दिस इज़ हाउ इट वॉज लुकिंग बिफोर एंड देन जब मैंने इसको सिंपल चौक पेंट लुक दिया था तो ये ऐसा लग रहा था मैट फिनिश में और फिर ये वाला जो है uh, ब्रांड न्यू हो गया है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्ला हाफिज़